दोस्तों, आज के इस नए दौर में हमारे समाज के अंदर कई जातियां पाई जाती हैं और हर एक जाति में काफी अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। जैसे कि किसी जाति में कोई इंसान अपने आप को बहुत ही ऊंचे दर्जे का समझता है, वहीं कुछ जाति ऐसी भी है जिनमें इंसान अपने आप को एक गिरी हुई नजर से देखता है या फिर अछूत समझता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज हमारा हिंदू समाज अलग अलग जातियों के नाम पर टूटता जा रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक सभी इंसानों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, इसलिए हर इंसान हमारे समाज के लिए बराबर मायने रखता है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में किसी भी ग्रंथ में जाति या उसमें भेदभाव का कभी भी कोई जिक्र भी नहीं मिलता। तो फिर जातियों में ऊंच नीच का भेदभाव कब और कैसे शुरू हुआ और चमार जाति को नीचा या अछूत क्यों कहा गया है? दोस्तों, आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हमारे हिंदू समाज में जात पात का भेदभाव हमेशा से ही सबसे बड़ी समस्या रहा है और शायद इसी वजह से हम हिंदू हजारों सालों तक गुलामी का शिकार हुए थे। आजादी से पहले एक समय ऐसा था जब हमारे हिंदू समाज में कई लोगों को नीच जाति का कहा जाता था और इसके साथ साथ उन्हें पढ़ने के लिए शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। इन सब चीजों की शुरुआत तब से हुई जब हमारे देश पर मुगलों ने हमला किया था और इसी हमले का सामना करने में हमारा हिंदू समाज कई टुकड़ों में बंटता गया। इसके बाद ये बात सामने आई कि जो लोग केवल क्षत्रिय जाति से हैं वही इस युद्ध में लड़ेंगे और जो लोग कमजोर या निम्न जाति से हैं वे सभी बैठकर तमाशा देखेंगे। आपको बता दें कि आज हम जिन लोगों को नीच जाति का कहते हैं या फिर अछूत समझते हैं वे सभी चवर वंश के क्षत्रिय हैं और इस बात का खुलासा खुद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने अपनी पुस्तक में किया था और ये बताया था कि चमार शब्द का मतलब हिंदू चर्मकार से है। और इतना ही नहीं, महाभारत में भी इस वंश का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि सिकंदर लोदी के भारत में शासन करने से पहले भारत के इतिहास में किसी भी चमार नाम की जाति का जिक्र सुनने को नहीं मिलता था और आज हम जिन्हें चमार कहकर बुलाते हैं या फिर जिन्हें छूने से कतराते हैं, दरअसल वो सभी लोग चवर वंश के क्षत्रिय हैं। अपने शासन काल में सिकंदर लोदी इन जातियों के लोगों को चमार कहकर बुलाता था और अपमानित करता था। मध्यकाल में इस्लामिक शासन से पहले भारत में चमड़े और उसकी सफाई को लेकर किसी भी जाति का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि पुराने जमाने में हिंदू लोग चमड़े को अछूत मानते थे। लेकिन भारत में मुस्लिम शासन आने के बाद चमड़े का उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में होने लगा। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के मुताबिक जब तुर्कों और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत के पश्चिमी भाग पर चवर राजवंश के शासक राजा चवर सेन का शासन हुआ करता था, जिनका वैवाहिक संबंध बप्पा रावल वंश के साथ था। राणा संगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चवर सेन से रिश्ता रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ का राजगुरु नियुक्त किया था और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की विनती भी की थी। दोनों के विनती करने के बाद संत रैदास जी चित्तौड़ के किले में कई महीनों तक रहे थे। उनके महान उपदेशों को सुनकर लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बनने लगे थे। अब संत रैदास जी इतना ज्यादा प्रसिद्ध होने लगे थे कि इस्लामिक शासन भी उनसे काफी ज्यादा घबराने लगा था। इसी दौरान सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर को संत रविदास के पास यह कहने के लिए भेजा कि वो खुद को एक मुसलमान में तब्दील कर लें और वो जानता था कि संत रैदास अगर इस्लाम स्वीकार लेते हैं तो भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग इस्लाम के अनुयायी हो जाएंगे। लेकिन उसकी ये सोच धरी की धरी रह गई, क्योंकि जब वो उनके पास गया तो वो खुद उनके भक्ति भाव से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसने खुद को एक हिंदू में तब्दील करके अपना नाम बदलकर रामदास रख लिया और दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने लगे। ये सब जानकर सिकंदर लोदी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने संत रैदास को कैद कर लिया और उनके सभी अनुयायियों को एक चमार यानी कि नीच जाति का घोषित कर दिया। इस दौरान उनसे कारागार में खाल खिंचवाने, चमड़ा पीटने, जूते बनवाने जैसे काम जबरदस्ती करवाए जाते थे। इसके बावजूद उन्हें एक मुसलमान में तब्दील होने के लिए बहुत शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी। दूसरी तरफ संत रैदास के ऊपर हो रहे अत्याचारों के जवाब में चवर वंश के क्षत्रियों ने भी पूरी दिल्ली को घेर लिया था, जिससे सिकंदर लोदी बहुत ज्यादा डर गया था और उसे संत रैदास जी को आजाद करना पड़ा था। चवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया था और धर्म परिवर्तन के लिए कई अत्याचार भी किए थे, उन्हीं लोगों को हमारे और आपके हिंदू पूर्वजों ने चमार और अछूत जैसे कई नाम दिए थे। चमार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने समाज में अपमानित होना तो स्वीकार किया लेकिन अपना धर्म परिवर्तन किसी भी हाल में नहीं किया और आज भी इस समाज के लोग हिंदू धर्म की एक नींव है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारे समाज में खटिक जाति को भी निम्न जाति माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि खटिक जाति मूल रूप से वो ब्राह्मण जाति होती है जिनका काम प्राचीन काल में यज्ञ के दौरान पशुओं की बलि देना होता था। आदि काल में तो यज्ञ के दौरान बकरी की बलि दी जाती थी, लेकिन जब मध्य काल में क्रूर मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों पर हमला किया तो सबसे पहले खटिक जाति के ब्राह्मणों ने ही उनका सामना किया था। राजा और उनकी सेना तो युद्ध में बाद में आती थी, लेकिन सबसे पहले मंदिर में रहने वाले खटिक ब्राह्मण उनका सामना
सामना करते थे। तैमूर लंग ने जब दीपालपुर और अजोधन पर हमला किया था तो खटिक योद्धाओं ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। आपको बता दें कि सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था तो उससे लड़ने वाली सेना में सबसे ज्यादा खटिक जाति के योद्धा शामिल थे। तैमूर लंग युद्ध में खटिकों के इस जवाब से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने एक बार सोते हुए तकरीबन 1000 खटिक सैनिकों की हत्या करवा दी थी और उन सैनिकों के सिर का ढेर लगवाकर उस पर रमजान की 13वीं तारीख पर नमाज अदा की थी। दोस्तों, मुगल शासन काल के दौरान हिंदू धर्म के लोगों पर कई अत्याचार किए जा रहे थे। इनसे बचने के लिए उनके पास केवल एक ही रास्ता था, या तो वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करें, नहीं तो उन्हें यातनाएं देते देते मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी दौरान खटिक जाति के लोगों ने हिंदू धर्म की रक्षा और अपनी बहू बेटियों को मुगलों की गंदी नजर से बचाने के लिए अपने घर के आसपास सूअर बांधना शुरू कर दिया। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि इस्लाम धर्म में सूअर को हराम माना गया है और मुगल तो इसे एक नजर देखना भी हराम समझते थे। इसलिए खटिकों ने मुस्लिम शासकों से बचने के लिए अपने घरों में सूअर पालना शुरू कर दिए थे। इसके बाद मुस्लिमों की गौ हत्या का जवाब देने के लिए खटिक जाति ने सूअर का मांस बेचना भी शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे स्थिति ये आ गई थी कि वे लोग अपने ही हिंदू समाज से अलग होते जा रहे थे और उस समय के शूरवीर ब्राह्मणों को लोग अछूत और नीच जाति की नजर से देखने लगे थे। आपको बता दें कि 1857 की लड़ाई के दौरान मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों और उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने वाले योद्धा में भी खटिक जाति के लोग सबसे ज्यादा थे, जिसके बाद गुस्साए हुए अंग्रेजों ने 1891 में पूरी खटिक जाति को ही एक अपराधी जाति घोषित कर दिया था। दोस्तों, जब आपको मेरठ से लेकर कानपुर तक 1857 के विद्रोह की दास्तान पता चलेगी तो इसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस दौरान खटिक जाति ने केवल अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बच्चों को भी इतनी बेरहमी से मारा था कि हर एक अंग्रेज थर थर कांप रहा था। इसके बाद अंग्रेजों ने खटिक जाति के लोगों को सजा देने के लिए पूरे के पूरे गांव के लोगों को ही फांसी पर चढ़ा दिया था और फिर उन्हें हमेशा के लिए एक अपराधी जाति घोषित करने के बाद एक कोने में धकेल दिया गया था। आपको बता दें कि जब आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी तो मुस्लिम जाति के लोगों ने कोलकाता में हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दिया था, लेकिन एक दो दिन के बाद ही पासा उल्टा पड़ने लगा और फिर खटिक जाति के लोगों ने मुस्लिमों का इतना भयंकर नरसंहार किया था कि बंगाल के मुस्लिम लीग के मंत्री ने खुद सभी को ये कहा था कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। दोस्तों, आज हम जिन खटिक जाति के लोगों को अछूत मानते हैं उनका सही इतिहास हमसे ना बताकर उसे दबाया गया। दोस्तों, आज हमारे भारत में तकरीबन 23 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान हैं और तकरीबन 35 करोड़ से भी ज्यादा दलित जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जरा एक बात सोच कर देखिए कि इन्हीं दलित जाति के लोगों ने अगर मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से झुककर उनके आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज हमारे भारत में मुस्लिम लोगों की संख्या 50 करोड़ के ऊपर पहुंच गई होती और हमारा भारत शायद एक मुस्लिम देश भी बन चुका होता। इराक, सीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों की तरह यहाँ भी बम ब्लास्ट, मारकाट, खून खराबे का माहौल होता और तो और यहाँ भी जिहाद का बोलबाला होता। क्या पता हम हिंदू या तो मार दिए जाते या फिर हमें मजबूरन धर्म परिवर्तन करना पड़ता, लेकिन हमें अपने उन हिंदू भाइयों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहने के बावजूद भी हिंदू धर्म को बचाए रखा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये जानकारी पता थी या नहीं। दोस्तों, अब जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद।